श्लोक है, इसका चौपाई है। केवल डर के मारे पूरा धूल धो देता है कि धूल लग गया तो हमारा बोटवा गायब हो जाएगा। पर सत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। तो राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच व तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर चोरी रही। और भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी को देखकर अहल्या जी हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवही वचन काहे। कुछ मुख से वचन नहीं आ रहे थे। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार वही। अहल्या का बहुत बड़ा भाग्य था। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, उसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और दोनों नेत्रों से क्या बहने लगे, अश्रुधार। अब इसके बाद फिर वो लोग चले और चलते चलते कहां पर आ गए। तब प्रभु ऋष न समेत नहाए विविध दान मही देव निभाए। महापु भगवान क्या बोलते हैं, श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ क्या किए, नहाए गंगा में और विविध दान मही देव नहीं पाए, बहुत सारे दान दिए ब्राह्मणों को। हरसी चले मुनि बृंद सहाया बेगी विदेह नगर निराया। तो हर्ष से महा भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि साथ साथ में चल रहे थे और बहुत सारे मुनि भी साथ में चल रहे थे। और चलते चलते बेग विदेह नगर नियर आया। और चलते चलते बेग से जल्दी जल्दी चलते थे कहाँ आ गए, विदेह के नगर आ गए। किधर, विदेह नगर कौन सा है, जहाँ बैठे हरि हो। तो बेगी वो भी तो स्पीड में, हम लोग भी बस से आए, एक ही बात है। बेगी विदेह नगर नियर आया। पूर्य रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी। और जब यहाँ की पूर्य रम्यता, रम्यता मतलब क्या, पूर्य रम्यता राम जब देखी मतलब यहाँ के शहर की जब महिमा किसने देखी, राम जी ने देखी। हर से अनुज समेत विशेष, तो अपने छोटे भाई के साथ बहुत खुश हो गए। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधाशम मनी सोपाना। और यहाँ के जो कुएं थे, नदियां थी, उनका जल कैसा था, सुधाशम। पानी भर के रहे थे कोई, कहाँ पानी भर रहे थे कोई, पानी भर के लाया, लाओ लाओ, बोला गया अमृत का समान था, कैसा था, पिलाओ लाओ बैठे गए, समझ रहे हैं। तो ये एक स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है, खोलो ढक्कन, वहाँ यहाँ का पानी है ना। हाँ अमृत लग रहा है ना, आप लोग पी लीजिए। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधाशम, यहाँ का जल कैसा लगा भगवान को, सुधाशम। सुधाशम मतलब वो सुधा डायरी वाला नहीं, सिर्फ नाम सुधा डायरी, वो सब केमिकल रहता है 90%, क्योंकि आप 1,00,000 लीटर भी दूध मांगो दे देगा, उतना तो गाय है ही नहीं,
देता कहाँ से, मिलता कहाँ से, केमिकल बनाता है कुछ ओरिजिनल था बाकी सब। और 4-5 दिन तक खराब ही नहीं होता, कहाँ गुजरात से बहुत सारा मिल गया था, खराब ही नहीं होता तो सब तुमको गाय का दूध तो नहीं बाबा। और सीढ़ी कैसी थी, सीढ़ी देख रहे हैं आप लोग, सीढ़ी सब सीढ़ी मनी सोपाना कैसी लग रही थी, मनी दिख रहा है आपको यहाँ पर, नहीं दिख रहा है तो आप लोग को भी बढ़िया जप करना पड़ेगा तो फिर थोड़ी देर सीढ़ी क्या दिखेगी आपको, यहाँ लिखा है मनी सोपाना, समझ रहे। तो जनकपुर की महिमा में बताया जा रहे हैं, बहुत सुंदर सा जनकपुर, और यहाँ के जितने भी कूप ये सब अमृत समान जल, और सीढ़ियाँ एकदम मनी के समान, और ये तो एकदम सही लग रहा है जो अभी आवाज़ हो रही है, सुने चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोग, गुंजत मंजुमत्तरस भृंगा कूजत कल बहुवरण विहंगा। और मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी पक्षी मधुर शब्द कह रहे। सही सेटिंग में हम लोग बैठे थे, पानी में एकदम अमृत समान, एकदम पक्षी उक्षी का आवाज एकदम हो रहा है। वरण वरण बिखसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। और रंग बिरंग के क्या है, कमल खिले हुए, और सब रीतियों में शीतल करने वाली मंद सुगंध हवा बह रही। एकदम गर्मी, 12 बजे बैठे हम लोग, एकदम एसी लग रहा है अभी एग्जैक्टली, एकदम दोपहर हो गया, क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर कैसा लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन सुमन बाटिका बाग बन विपुल बहंग निवार फूलत फूलत सुपलवत सोहत पहु पूरे चहुपार। पुष्प वाटिका बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगरों, पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। तो पेड़ एकदम नगर के चारों ओर, बनई न वर्ण तो नगर निकाई जहाँ जाई मन तहाँ ही लो भाई। तो इस नगर की सुंदरता बन ही न वर्णन, वर्णन करने बन नहीं रहा है, इतना सुंदर है कि बन ही न वर्णन, वर्णन करने में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ इतनी सुंदर। एक बार भगवान हरि इतने सुंदर हैं तो उनकी उपमा दी जाती है कि भगवान का चेहरा कितना सुंदर है, चंद्रमा के समान, मुख चंद्र, आंखें किसके समान है, कमल नयन, समझ रहे, कमल नयन मुख चंद्र, उनके कान के कुंडल मछली के समान, सार के समान है। तो जब भगवान स्वयं प्रकट हुए तो चंद्रमा ने जब कृष्ण को देखा तो बेहोश हो गया, क्या हो गया, डर के मारे भागने लगा कि भैया हम लोग का उपमा दिया जा रहा है किससे, कृष्ण के मुख से, कृष्ण इतने सुंदर है कि हम लोग को कोई देख लेगा, कृष्ण को देख लेगा तो गाली देगा कि बेटा इतना दिन से चीटिंग किया, इतना दिन से क्या किया, हम कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान है, उसे करोड़ों गुना सुंदर। जब कृष्ण को ओरिजिनली देखा उपमाओं ने तो एकदम तब लज्जित हो गए, बाबा हम लोग से करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर। उपमा हरि तन देख ल जाए, हे उपमा हरि तन देख ल जाए,
उपमा हरि तण देखल जाए। तो उपमाएं जब भगवान को देखी तो हम ललचित हो गई, समझ रहे, और भागने लगी, कहीं हमको कोई देख नहीं तो गाली मारेगा कि इतना दिन से चीटिंग चल रहा था, समझे। चंद्रमा डर के मारे कहाँ चला गया, आकाश में, और कमल किधर भाग गया, जल में, समझ रहे। तो सब लोग भाग गए, भाई कहीं हमको पकड़ नहीं ले, गाली देगा। तो वैसे ही भगवान इतने सुंदर, नगर इतना सुंदर है कि उसकी उपमा तुलसीदास जी दे नहीं पा रहे हैं। जो इस नगर में कहीं पर भी जाते हैं तो मन एकदम खींचा जा रहा है। सुंदर बाजार है, और बिल्डिंग के छज्जे क्या से भरे थे, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी, मनी से बने, ऐसा लग रहा था विधि ने स्वयं अपने हाथ से, ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से क्या बनाया कंस्ट्रक्शन। और बहुत सारे क्या थे, कुबेर के समान धनी व्यापारी लोग यहाँ रहते थे, सामान बेच रहे थे। और संतत रही सुगंध सिंचाई, और सुंदर सुगंध आती रहती थी हमेशा। मंगलमय मंदिर सब के रे चित जनु रतिनाथ जी तेरे, और सबके घर मंगलमय हैं, उन पे चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो काम देव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। और यहाँ के लोग पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी धर्मशील गानी गुणवंता, और यहाँ के जो भाग नर नारी हैं सुभाग भाग्यवान है, क्या है, सुभग सुचि पवित्र संता साधु स्वभाव वाले धर्मशील ज्ञानी और गुणवंता। यहाँ के लोग बड़े सुंदर गुण अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोकी बिलासु, और बहुत सारे सुंदर स्थानों में जनक जी का जो महल है वो बड़ा ही सुंदर है। हरिभो कुछ ही देर में हम लोग जनक जी के महल जाएंगे जनकपुर में। और देवता भी विध कही विबुध विलोक विलास, देवता भी उसकी चमक सुंदरता को देख के दम चमक चकित है। और महल में पर्दे जो है कपड़े के कैसे हैं, वो सोने की जरी के पर्दे, किसके पर्दे, कपड़े के नहीं, किसके हैं, सोने की जरी समझते हैं, पतला पतला सोना का जो बनाते हैं तार टाइप का, तो पर्दे कैसे थे, सोने की जरी के, समझ सकते हैं आप क्या ऐश्वर्य था। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, हे भूप भीर नट माघड भाटा, तो सभी दरवाजे एकदम सुंदर हैं, मजबूत हैं, एकदम ब्रज के समान वज्र के समान। और गजशाला हैं बहुत बड़ी बड़ी, घुड़शाला हैं, भरे पड़े थे हाथी घोड़ों से,
और बहुत सारे सूरवीर मंत्री सेनापति हैं, और उन सबके घर भी राजमहल शरीक के जैसे राजमहल के समान है। नगर के बाहर तालाब नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मनुमाना, इहां रहियु रघुबीर सुजाना, तो विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं और एक सुंदर आम का बगान में लेके आते। कहाँ लेके आते समझ रहे? तो आम का बगान में लेके आते हैं और देखिए अनूप एक अवराई, अवराई मतलब आम का बगीचा, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक मतलब विश्वामित्र का एक नाम था कौशिक। कौशिक कहूँ मोर मनु जाना, मेरे मन को लग रहा है इधर ही रघुवीर हम लोग को बैठ जाना चाहिए। अभी कौन सा पेड़ है मुझे पता नहीं, आम का ही हरी वो, तो एकदम हम लोग आम के पेड़ आम के बगान में आ गए हरी वो, एकदम लीला चल रहा है समझ रहे हैं। प्लानिंग करके नहीं लाया गया, हमको भी नहीं पता। तो आम के बगान में लेके आए विश्वामित्र मुनि और एकदम बोले कि यही मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आप लोग का यात्रा भी एकदम रामायण के अनुसार चल रहा है, एकदम एज इट इज चल रहा है। एक्चुअली हम लोग का प्लान था कि हम लोग कल पूर्णोड़ा जाम जाने वाले थे और पंथ पाकड़ जाने वाले थे, आज डायरेक्ट नेपाल निकल रहे, लेकिन प्लानिंग थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज हम लोग अहल्या स्थान पर सो जा नहीं पाए, तो कल हमको अहल्या स्थान जाना पड़ा। अहल्या स्थान के बाद फिर हम लोग का पूर्णोड़ा मिस हो गया था, तो मेरे कुछ लोग बोलते कि कल ही पूर्णोड़ा कर लीजिए, वापस आना पड़ेगा नहीं तो। हम बोले फिर शाम के सब पुनौरा भीड़ हो जाएगा, जो भी हो कल ही करके निकल जाएंगे। फिर आज पहुँचे पुनौरा तो पता चला कि भगवान भी पुनौरा से डायरेक्ट किधर गए थे, सीता मैया को कॉल लेके गए थे जनक जी पुनौरा से यहाँ पर लेके आए थे। तो हम लोग एकदम मैच कर रहे हैं, हम लोग वहाँ से डायरेक्ट और यहाँ पर आने के आम का बगीचा मिठाए थे, हम लोग भी आम का बगीचा में आए। हम लोग पहले प्लान था जनकपुर जाने का, नहीं फिर बोले दर्शन उधर बंद हो जाएगा 12 बजे, तो अभी जाके फायदा नहीं, फिर 3 बजे खुलेगा, तो बोले चलो धनुषा ही चलते, समझ रहे। यहाँ पर आया तो आम के बगीचे के नीचे आ गए। देखिए अनूप एक अवराई, आम के बगीचे के नीचे विश्वामित्र मुनि लेके आए। खुद ही बोले विश्वामित्र मुनि मोर मनु माना, मेरे मन को लग रहा है हे रघुवीर यहाँ रहियु रघुवीर सुजाना, हे रघुवीर हमको यहीं पर रुकना चाहिए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, तो राम जी ने बोला गुरु जी जैसी आपकी इच्छा। वो भी यहाँ पर रुक गए और जितने भी मुनि सब लोग थे, आप लोग सब मुनि के समान हैं समझ रहे हैं, सब लोग बैठ गए यहाँ पर। और ये न्यूज फैल गया किधर, मिथिला के राजा जनक जी को न्यूज मिल गया, कौन आए हैं, विश्वामित्र मुनि जी आए हैं समझ रहे हैं। हाँ बोला हुआ तो है कि जब लोग स्नान किए थे गंगा में तो बहुत सारे क्या आ गए, जब लोग स्नान किए गंगा में तो बहुत सारे मुनि यहाँ पर उनके साथ हो लिए थे समझ रहे हैं, तो हो लिए तो वो लोग यहाँ पर आए। तो विश्वामित्र मुनि अपने साथ किसको ले लिए, अपने मिनिस्टर को, संग सचिव सुचि भूरी भट्ट भूसूर बर गुर गया थी,
अपने साथ संग सचिव को ले लिए, हाँ अपने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, और सबको लेके कहाँ आ गए, इस बगान में आ गए, इनसे मिलने के लिए, विश्वामित्र मुनि। और आए फिर क्या किए, किन्ह प्रणाम चरण धोरी माथा, दीन ही असी समुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ अनंदे, कितना ज्यादा मीठा है। हमारे आचार्यों ने तुलसीदास जी ने क्या अद्भुत लिखा है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग तो समझ में आ रहा हो। किन्हीं प्रणामु चरण धरी माता, मतलब किन्हू प्रणाम चरण धरी माता, समझ में नहीं आ रहा, किन्हू प्रणाम मतलब प्रणाम किया, किन्हीं किन्हीं मतलब किया, प्रणामु प्रणाम, किन्हीं प्रणाम चरण धरी माथा, चरण धरी माथा, हाँ उन्होंने विश्वामित्र के चरण पे अपना सर रख के प्रणाम। और फिर जब प्रणाम किया तो विश्वामित्र ने क्या किया, दिन ही आशीष मुदित मनु नाथा, उन्होंने क्या दिया उनको, आशीष आशीर्वाद दिया। और जितने विप्र आए थे, विप्र वृंद सब सादर बंदे, उनको भी प्रणाम किया, विश्वामित्र को तो चरण में प्रणाम किया, बाकी लोग को भी क्या किया, प्रणाम किया। जानी भाग्य बड़ राव आनंदे, बोला आज मेरा बड़ा भाग्य है कि मेरे घर में कौन आए, इतने सारे महात्मा लोग आए। कुशल प्रश्न कहीं बार ही बारा, विश्वामित्र निपही बैठारा, तो विश्वामित्र ने बोला सब कुछ ठीक चल रहा है, बैठो बैठो बैठो, सब कुछ ठीक चल रहा है। और विश्वामित्र पूछ ही रहे थे कि कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है राजा से, तब तक वहां पर कौन आ गए, कौन आ गए, राम लक्ष्मण आ गए। ते ही अवसर आए दो भाई, ते अवसर आए, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलबाई, तो विश्वामित्र जनक जी में संवाद चल रहा है, प्रणाम कर रहे हैं जनक जी, विश्वामित्र आशीर्वाद दे रहे, बोले सब कुछ ठीक चला, बैठ जाओ, तभी कौन आ गए, राम लक्ष्मण, क्या देख के आए थे, बगान देखकर आ रहे थे। और एक का रंग कैसा था, श्याम, और एक का गौर, एक सांवले थे और एक गोरे थे, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा, तो इतने सुंदर लग रहे थे श्याम वर्ण के राम जी और गौर वर्ण के लक्ष्मण जी, इतने सुंदर लग रहे थे, एकदम किशोर अवस्था में, एकदम सुंदर, ऐसे सुंदर थे, लग रहे थे पूरे विश्व के चित्त को चोरी कर लेंगे, मिस्टर यूनिवर्स, समझ रहे हैं, पूरा विश्व की क्या करेंगे, एकदम चित्त को चोरी। जैसे ही राम जी को देखा सब लोगों, तो सब लोग खड़े हो गए, इतने सुंदर थे राम जी के, सब लोग
उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, तो जितने भी लोग आए थे जनक जी उनके मंत्री थे, जैसे राम जी के सुंदर रूप को देखे तुम खड़े हो गए। तो फिर विश्वामित्र ने उनको अपने बगल में बिठा लिया, सबको बिठाया, एकदम सब सुखी हो गए। केवल राम लक्ष्मण को देख के सब लोग क्या हो गए, भय सब सुखी देखी दौ भ्राता, ए भय सब सुखी देखी दौ भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाथा, तो सबके हृदय में क्या आ गया, राम जी को देख के क्या आ गया, आनंद आ गया, और आंखों से क्या बहने लगा, आंखें पुलकित हो गए। और विशेष करके जनक जी का क्या हुआ जब राम जी को देखे, तो कोई बता सकते जनक जी जब राम जी को देखे तो क्या हुआ, विदेह क्या बोली बोली। हाँ कृष्ण चौपाई आती है बहुत सुंदर, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। बड़ा सुंदर लिखा है, मतलब अमृतमय रचना की है, बोल रहे इतनी सुंदर मधुर मनोहर रूप को देखकर विदेह जी विदेह बन गए। आज क्या बन गए, उनका तो नाम क्या था, शरीर में नहीं रहते थे, और आज सचमुच में जब राम को देखा तो शरीर के बाहर चले गए। कुछ लोग बोलते हैं हमारे शरीर में दर्द होता है, पाँव में दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसका मतलब आप राम जी को देखते नहीं। राम जी को देख के विदेह जी क्या हो गए, विदेह हो गए, समझ रहे हैं। इस दुनिया में शरीर आदमी को हमेशा परेशान करता है, क्या करता है, पेट साफ नहीं हुआ तो पेट में रह जाएगा चेतना, आज क्या हुआ, नहीं ना हो तो सुबह उठते के साथ 9 गड्ढे आपकी चेतना को टान लेते हैं, सुबह उठते के साथ 9 गड्ढे आपको, जब तक ब्रश नहीं करेंगे तब तक मुंह में लगेगा, मुंह गंदा टाइप का लगेगा, है कि नहीं, फ्रेश बोलते ना, फ्रेश हो गए, जब तक मुंह ब्रश नहीं करो कैसा लगेगा, मतलब यह लगेगा मुंह मेरा परेशान कर रहा है, हाँ कि ना, जब तक पेट साफ नहीं हो तब तक चेतना ही रहे, कब साफ होगा, अरे वो जल्दी खोली है। पेटवा से चेतना जाता नहीं जब तक साफ नहीं हुआ, जब तक दो चार मग डालोगे तब तक शरीर का चेतना, समझ रहे, जब तक रगड़ोगे नहीं मतलब शरीर पूरा एकदम कैसा तो लगेगा, फिर 9 गड्ढों को सही साफ कर लिए, समझ रहे, तब जाए क्या लगता, थोड़ा फ्रेश लगता है कि नहीं। और कुछ लोग अभी तो जवान है थोड़ा सा, ये और बूढ़े हो जाएंगे तो फिर ऐसे भी दिन भर शरीर का चेतना में रहेंगे, एक बार में टॉयलेट होगा ही नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में होगा। समझ रहे, तो दिन भर आप शरीर का चेतना में ही, गलत बोल रहे हैं क्या, समझ रहे हैं। और कलयुग का लोग सेंस कंट्रोल तो जानते नहीं, कि उम्र बढ़ रहा तो कम खाओ, उम्र बढ़ रहा फिर भी चौका छक्का लगाओ, पैसा किस लिए कमा है, और फिर दिन भर शरीर की चेतना में रहो, समझ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर बता रहे अगर शरीर की चेतना से ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा,
मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी, तो शरीर की चेतना से ऊपर उठना है तो आपको भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। अगर आप भगवान का सुंदर स्मरण करेंगे, प्रभुपाद जी 80 साल के उम्र के हो गए थे, कितने साल के प्रचार करते थे, हमेशा किसका चिंतन करते रहते थे, भगवान का। इससे 80 साल की उम्र में भी शरीर काम नहीं कर रहा फिर भी प्रचार किए जा रहे, शरीर काम नहीं कर रहा लेकिन प्रचार, क्योंकि जब भगवान का सुंदर रूप आपको आकर्षित करेगा आप शरीर की चेतना से ऊपर, नहीं तो शरीर पागल कर देगा आपको। शरीर क्या करेगा, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, कभी खत्म नहीं होने वाली। क्या सॉल्यूशन है, मूर्ति मधुर मनोहर देखिए, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कीजिए। तो कलयुग में सबसे सरल तरीका है भगवान का दर्शन करने का, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम। तो जब भगवान में मन लगाएंगे तो एक आनंद आने लगेगा, एक रस आने लगेगा। इसलिए परीक्षित महाराज जब वो जंगल में शिकार कर रहे थे तो एक ऋषि को पानी की प्यास लगी थी, इस ऋषि ने पानी नहीं दिया तो उन पे सांप फेंक दिए थे। जब वो भगवान के सुंदर हरि कथा वो सुनने लगे, भागवत सुनने लगे, तो 5 दिन बीत गया और सुखदेव गोस्वामी कथा बता रहे, तो प्रश्न पूछ रहे बीच बीच में। परीक्षित महाराज को बोला सुखदेव ने, भाई तो रेस्ट ले लो, क्या ले लो, रेस्ट का जरूरत, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, रेस्ट भी नहीं लिया, जो थोड़ा सा पानी का प्यास से क्या किए थे, सांप पटक दिए थे, और वो 5 दिन से खाए भी नहीं पिए नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को हरी कथा और सुनाई, मैं ये मत सोचेगा थक गया। इसका मतलब क्या हुआ, परीक्षित महाराज क्या हो गए थे, विदेहू हो गए थे, क्या हो गए थे, क्या हो गए थे परीक्षित महाराज, विदेहू। कितने लोग विदेहू होना है, बोले हरी बोल। तो शरीर की चेतना से ऊपर उठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए रोज मंगला आरती करनी चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। और देख भी सकते, यात्रा में हम लोग दिन भर कीर्तन करते रहते, ऐसे 3-3 बार हम लोग खाते सुबह दोपहर शाम, और बीच बीच में भी स्नैक्स मार देते हैं, समझ रहे। लेकिन यहाँ पर हम लोग दिन भर हरी कथा हरी कीर्तन कर रहे, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग नहीं खा रहे। कितने लोग लग रहा है कि अरे भौजी हम परेशान हो गए, कितने लोग आनंद लग रहा है। तो हम लोग अपना दिन भर कीर्तन कथा कर रहे तो शरीर का ध्यान भी नहीं दे रहे, शरीर का इनपुट कम हो गया और आउटपुट ज्यादा चल रहा है। हम 10-10 किलोमीटर चलना, ये करना, वो करना, नाचना, समझ रहे, इनपुट 0 और आउटपुट क्या है। नंदन तो खूब नाच रहा है, खुद भी आनंद ले रहा है, दूसरों को भी आनंद दे रहा है, समझ रहे। माइक के सिस्टम उठा उठा के तो लग रहा हनुमान जी आ गए हम लोग के बीच, समझ रहे, कोई गदा मिला नहीं तो माइक के सिस्टम। तो भय विदेहु विदेहु विशेषी, तो विदेह का नाम आज सार्थक हो गया। आज वो सचमुच में क्या है, देह से ऊपर, तो भगवान के भजन को ध्यान से करना चाहिए, कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, भजन में मन लगाना चाहिए, तब क्या होगा, तब जाके रस आता है। इसलिए भजन आता है कैसे, भगवान के कथाओं में क्या है, अमृत है। एक भजन था ना, क्या है, हाँ, श्याम तेरे भजनों में
मस्ती का खजाना है शाम तेरे श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है हे श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है ये मस्ती उसे ही मिलती जो तेरा दीवाना है श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है हरि वो हे श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है ये मस्ती उसे ही मिलती जो तेरा दीवाना है मस्ती उसे ही मिलती हे शाम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है हे श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है हे ये मस्ती उसे ही मिलती जो तेरा दीवाना है तो जब भगवान को आप प्रेम करेंगे उनमें ध्यान लगाएंगे तो एक दिव्य आनंद की अनुभूति। तो आज विदेह जी राम जी का दर्शन करके इतना सुंदर रूप का दर्शन करके आज विदेहू क्या हो गए? विदेहू हो गए, भव विदेहू, विदेहू विशेष। प्रेम मगन मनु जानी निपु करी विवेक उधरि धीर बोल मुनि पद नाई सिरु गदगद गिरा कभी। और प्रेम से उनका मन जो है गदगद हो गया है, फिर भी अपने विवेक से अपने मन को शांत किए और बोलने लगे। क्या बोलते हैं? कहूँ अनाथ सुंदर दौ बालक कहूँ नाथ सुंदर दौ बालक मुनि कुल तिलक की कुल पालक मुनि तो जनक जी विश्वामित्र को बोलते हैं विश्वामित्र जी ये दोनों बालक तो एकदम मुनि कुल के आभूषण लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? इतने सुंदर एकदम मुनि रिवेश में एकदम बहुत सुंदर लग रहे हैं। या कहीं राजवंश के लोग, कहीं राजा तो नहीं है, कहीं राजकुमार तो नहीं है, कौन हैं ये लोग? क्या जो वेदों में ब्रह्म के बारे में बताया गया परम परम सुंदर ब्रह्म जो है, क्या वो ब्रह्म के ही अवतार तो नहीं है कहीं? ठीक ही बोल रहे थे, परम ब्रह्म के अवतार ही थे। सहज विराग रूप मनु मोरा
सहज विराग रूप मनु मोरा। थकित होत जिमी चंद चकोरा, थकित होत जिमी। तो विश्वामित्र से जनक जी बोल रहे हैं कि मेरा मन में हमेशा वैराग्य रहता है, मेरे मन में हमेशा स्वाभाविक रूप से क्या है, मेरे को स्वाभाविक रूप से भोग अच्छे नहीं लगते, मैं केवल शरीर को जीने के लिए खाता हूँ, मेरे को कोई ऐसा कोई रुचि नहीं है फैसिलिटीज में। तो सहज विराग रूप मनु बोरा, हे विश्वामित्र मुनि, मैं तो सहज वैरागी हूँ, मेरे को शरीर में आ सकते हैं, लेकिन आज इस लड़के को देख के मेरे में बहुत आकर्षण आ रहा है। ऐसे तो मेरे मन में वैरागी रहता है, लेकिन आज इस लड़के को देख के बड़ा, जैसे भगवान के भक्त लोग बाजार का कोई चीज़ को देख के आकर्षित, महाप्रसाद को देख के इतना आकर्षित हो जाते हैं कि कभी कभी लॉकर भी तोड़ दिया जाता है। एक मंदिर में एक भक्त थे, बता रहे थे महाप्रसाद के प्रति ऐसा आकर्षण था कि लॉकर में, आप मंदिर में पैसा छोड़ दो पैसा मिल जाएगा, लेकिन प्रसाद छोड़ोगे तो, समझ रहे हैं, तो मंदिर में प्रसाद क्या चीज़ बंद रहता था लॉकर में, और पैसा खूब गिरा 200-400 रुपया मिल जाएगा था, लेकिन जो भगवान का मंगल भोग का संदेश रबड़ी सब कैसे जाएगा लॉक किया, नहीं तो फिर वो कोई भी चोरी कर लेगा। तो एक बार लॉकर में लॉक था, तो एक बार देखा कि चोर इतना आकर्षित हो गया, तो देखा लॉकर ही गायब हो गया। अभी तक तो प्रसाद चोरी होता लॉकर से, लेकिन एक बार क्या हुआ, लॉकर ही गायब कर दिया। लॉकर मिला कहाँ, गार्डन में डायनामाइट लगा के फोड़ा था उसको। ऐसा आकर्षण था किसके प्रति। तो जनक जी बोल रहे मैं तो कभी आकर्षित नहीं होता भौतिक चीज के प्रति, लेकिन इस लड़के को देखकर मेरे को आकर्षण, जैसे चंद्रमा चकोर चंद्रमा को देख के आकर्षित हुआ, वैसे मैं भी इस लड़की को देख के बड़ा आकर्षित हो जाऊँ। इसलिए मुझे बताइए कौन है बच्चे। ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहूँ दुराओ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा मन तो कोई भी भौतिक चीज में आकर्षित नहीं होता, ये बच्चे हैं कौन, आप सच सच मुझे बताइए, छिपाइएगा मन। ई नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इतने सुंदर लग रहे हैं बच्चे देखने में, मुझे ब्रह्म सुख भी फीका लग रहा है। ये राम लक्ष्मण को देखकर मुझे कौन सा सुख फीका लग रहा है, ब्रह्म सुख समझते हैं नहीं समझते, समझाता हूँ थोड़ा, मतलब समझा तो नहीं पाऊंगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्या हो गया, टॉयलेट निकल नहीं रहा है, 4 दिन से फंसा हुआ है या 1 महीने से फंसा हुआ है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हैं, और फाइनली एक दिन हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म सुख, मतलब 0.001% ब्रह्म सुख, समझ रहे हैं। तो वैसे ही दुनिया में सब लोग फंसे पड़े, और दुनिया में देखिए चीज़ें सुख नहीं देती है, दुखी देती है। सुख का केवल क्या है, स्क्रीन से भरे क्या है, सुख का क्या है, सुख का नाम का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन मिलता क्या है। तो कल रात को बहुत लोग मुझसे मिलने आए थे, अब मैं तो परिवार किया नहीं, तो मुझे तो पता नहीं शादी ब्याह करके क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। अब वॉइस में अपने बहुत सारे बच्चे हैं, 200-300 बच्चे अभी तक हो गए, लेकिन उससे आसक्ति नहीं होता है, तो पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा काम है बताना, नहीं कुछ नहीं सुना तो अपना जाओ, समझ रहे हैं। लेकिन अपना बच्चा से क्या होता है, आसक्ति होता है, नहीं सुनता तो बड़ा
तो एक भक्त बताया, तो रोहन बताया था कि प्रभु जी कल भी हमारे साथ गया तो सुबह से शाम तक नहीं खाया, तो चक्कर आने लगा था। क्या आने लगा था? हम बोले इतना तो इसको खिलाते पिलाते लाए थे, एक ठेकुआ फेकुआ कितना खा रहा था, उसके बाद बोला चक्कर आ रहा। तुमने इतना तो खाया तुमने? नहीं, कल जो था एक दिन पहले वो गाड़ी ठीक कराने गया था, उसका गाड़ी खराब हो गया था, तो सुबह गया था तो शाम तक गाड़ी ठीक ही नहीं हुआ, तो खा नहीं पाया था कुछ, उसके कारण थक गया। तो गाड़ी में क्या हो गया? गाड़ी तो नया ही है, गाड़ी तो अभी तक मतलब 50,000 किलोमीटर भी नहीं चला होगा, नया चलाया नहीं, तो आई20 गाड़ी था। तो क्या हो गया? नहीं पहुंची, उसका सब तार जो है चूहा काट दिया, इसलिए गैरेज में, उसका गैरेज था, गैरेज में नहीं रखा हुआ गाड़ी, मुझे बाहर क्यों रखा हुआ गाड़ी इस बार? गैरेज बनाया किसके लिए? गाड़ी के लिए, लेकिन गैरेज में क्या है, चूहा सब काट दिया, तारवा काट दिया। अब इतना कॉस्टली गाड़ी है, उसका तार को आप कोई नॉर्मल मैकेनिक को देंगे तो उड़ जाएंगे, खराब कर देगा गाड़ी, समझ रहे हैं? उसका तार को रिपेयर कराने जाओगे तो 10-20 हज़ार रुपये लग जाएगा, समझ रहे हैं? मैं बोला तुम 15 दिन में, साल में चलाता नहीं गाड़ी, पापा तो चलाए जानते नहीं है, घूमते नहीं है, और लिया था रोहन बाबू शौक के लिए, समझ रहे? क्या बोल के प्रभु जी आएंगे उनको लेके जाएंगे स्टेशन जोड़ के आगे करेंगे, तब तक हमको अपना गाड़ी मिल गया तो अपना गाड़ी से घूमते, तो उसको जरूरत नहीं पड़ता, समझ रहे? जो भी रोहन हमको बहुत बार मुजफ्फरपुर छोड़ा एकदम टाइम पे, एक बार ट्रेन था 10:10 पे, तो हम 11:00 एक घंटा में तुम निकाल के तुम 55 मिनट में हम लोग एकदम रात के समय पहुँचाए, तुम ट्रेन वेट कर रहा था, तुम 11:05 हो गया था, फिर हम लोग गए, तो जैसे मैं चढ़ा चलो गया, जो भी है। तो गाड़ी अभी लिया था किस लिए? गाड़ी सुख देगा, क्या देगा? अभी गाड़ी क्या दे रहा है? दुख दे रहा है। वायर काट दिया, बोला अभी पूजी काम बाकी है, अभी कल करवाएंगे, आप चले जाएंगे। तो दुनिया में चीज लगता है सुख देगी, अब उसको गोडाउन में रखो, क्या बोलते हैं, गैरेज में रखो तो प्रॉब्लम चूहा काट देगा, बाहर रखोगे तो शीत पड़ रहा है, कहाँ रखना चाहिए, बाहर के अंदर? क्या सॉल्यूशन है बोलो? बाहर अच्छा है, गैरेज के अंदर रखेंगे चूहा काटेगा, बाहर रखेंगे पानी उनी पड़ेगा, धूला पड़ेगा। हाँ खरीदना ही नहीं समझ रहे? अरे साल में 10-12 दिन यूज करता है, बाकी दिन तो यूज, जब भी यूज करता है तो कोई रिक्शा वाला ठोक देगा, इसका गलती नहीं भी रहेगा, वो ठोक देगा, मतलब बिहार है ना, बिहार में कुछ भी चलता है, सब तो प्राइम मिनिस्टर से कम बिजी नहीं है, रिक्शा वाला साइकिल वाला बेटा सब बोलता है कि हमसे बढ़कर कौन, जाम लगल फिर भी साइकिल घुसाइए देगा, बट बेटा कि हमको जाने दो अभी, हम मोदी जी से कम, समझ रहे? आपका गाड़ी को तो 2-4 बार कांच बार टेढ़ा करे देगा, समझ रहे? कुछ नहीं बोल सकता, समझ रहे? तो जो भी है, तो दुनिया में भौतिक चीज सुख कम देती है दुख, लेकिन ग्राफ कैसा है, समझ रहे? ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं ना, पैराबोला है, समझ रहे? हाइपरबोला, पैराबोला, शुरू में लगता बहुत हैप्पीनेस देगा, हाइपरबोला पता है, हाइपरबोला क्या होता है पता है? ऐसे करके तो शुरू में खूब हैप्पीनेस लगता है, एकदम ग्राफ लगता है, अरे मजा आ गया, अरे ये तो एकदम चकाचौंध हो गया, अरे 2 रुपया खर्चा कर मजा आ गया, अरे अच्छा बेटा तुम रुक 2 मिनट रुक, अभी ग्राफ ऐसे चल रहा है एकदम, और फिर टेढ़ा टेढ़ा ऐसे जाओ, फिर कुछ मजे नहीं आएगा, स्लाय पैसा खर्चा करते रहो, इन्जॉयमेंट बढ़ेगा ही नहीं, समझ रहे? इसको बोलते हाइपरबोला। सब मैथमेटिक्स का इक्वेशन लाइफ से आता है, समझ रहे? और भक्ति कैसा है? पैराबोला है, समझ रहे? हाइपरबोला और पैराबोला, समझ रहे? हरी बोल, सब में बोल बोल आता है, समझ रहे हैं?
हरि बोल। तो पैराबोला में क्या है, शुरू में क्या होगा, समझ रहे हैं, शुरू में ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं आएगा, खूब इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, सोलह माला घिसो, ई करो वो करो, मज़े नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे करके ग्राफ जब पकड़ने लगता है तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट नहीं करोगे, इतना आनंद आने लगेगा, समझ रहे। तो जो भी है हमारे विश्वामित्र ने जिज्ञासा की, जनक जी ने, कि मेरा मन भौतिक चीजों में नहीं आता लेकिन इन बच्चों में जा रहा है, इसका मतलब ये बच्चे कोई भौतिक बच्चे नहीं है। आप बताइए कौन है, जब ये सुन लिया तो मन में कौन मुस्काने लगे, रामचंद्र जी मुस्का रहे, कह रहे पोल मत खोलिए, अभी समय आया नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, अभी बताने का जरूरत नहीं कि हम कौन। ये प्रिय सब ही जहां लागी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बाणी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। तो भगवान राम ये बातों को सुन के हंस रहे हैं कि गुरुजी पोल मत खोलिए कि हम भगवान के अवतार हैं, समझ रहे। तो गुरुजी भी हंस के बोलते हैं ये दशरथ के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल के मणि दशरथ के क्या है, बच्चे हैं। मम हित लागी नरेश पठाए, मैं यज्ञ कर रहा था, मुझे यज्ञ में राक्षस लोग परेशान करे थे, तो मेरा हित करने के लिए दशरथ जी ने अपने लड़के को साथ में। राम लखन दो बंधु बर रूप सील बल धाम, तो राम और लखन दोनों भाई जो हैं रूप सील और बल के क्या है, धाम है। इतने सुंदर है भगवान, आहा एकदम सीलता स्वभाव, सीखना चाहिए राम जी का स्वभाव, क्या स्वभाव। सोचिए आज उनको राजा बनाया जा रहा है और रात रात कल अभिषेक की तैयारी की गई और रात को बताया जा रहा है कि तुमको जंगल जाना है, राम जी कुछ फर्क नहीं पड़ा, इज इक्विपॉइज्ड। हम लोग को बोल दिया जाए तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया है, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी में, कौन सी अच्छी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें हो गया था प्लेसमेंट। अभी मान लीजिए न्यूज आ जाए कि हमारे संतोष पोका माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, किधर हो गया, मान लीजिए न्यूज आ जाए संतोष पो सेलेक्टेड इन, समझ रहे। और फिर कल इनका ज्वाइनिंग है और आज रात को न्यूज आए कि नहीं नहीं आपको जंगल जाना है, समझ रहे। तो मतलब वो दुखी लगेगा आदमी को, खैर संतोष पो तो खुश हो जाएंगे, राम जी के भक्त है तो, समझ रहे हैं, उनको बोल दिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के तुमको वृंदावन में प्लेसमेंट मिल रहा है, वो तो खुश हो जाएंगे, समझ रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के तुमको कहाँ जाना है, जंगल जाना है, खुश नहीं हो। इतना हाई से एकदम लो पे डाल दिया जाए खुश होंगे, रामचंद्र का स्वभाव देखिए। वो कह कई माँ को बोलते मम्मी आप मेरे को डायरेक्ट क्यों नहीं बोले, पापा का वचन का क्या, जो आप डायरेक्ट बोलते तभी मैं चलाया था, तभी मैं डायरेक्ट ही चलाया था, और मेरे को तो जंगल अच्छा लगता है, मैं तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं जंगल में जाऊं। मतलब क्या स्वभाव है भगवान का, अद्भुत है। जब कैकेयी भरत ये सब को लेके, कैकेयी को लेके जाते हैं राम जी को लाने के लिए चित्रकूट, हम लोग जाएंगे कुछ दिन बाद, परसों तरसों पहुंचेंगे चित्रकूट, कल अयोध्या परसों चित्रकूट पहुंचेंगे। तो जब चित्रकूट पहुंचे भगवान, वहां पर भी भरत सबको लेके आए
जब सबको लेके आए तो जब भरत जा रहे थे, बहुत हम लोग चित्रकूट में चर्चा करेंगे कि भरत और राम में बहुत झगड़ा होता है, किस लिए? भरत बोलते राम जी आपको राज्य करना है, और राम बोलते भरत तुमको, पूरा उल्टा। आज का दुनिया में क्या है, हमको जॉब दे दो, बोले दो दो सीट है, मान ली एक सीट है और दो लड़का है, वो बोलेगा हम लेंगे, वो बोलेगा हाँ कि ना। लेकिन वहाँ क्या कंपटीशन हो रहा है कि आप लीजिए, वो बोल रहा आप लीजिए। और थोड़ा ये छवि हम लोग भक्तों के संग में देखने मिलता है, थोड़ा भक्ति करते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ होती है तो दूसरे को देना चाहते हैं भक्त। जो लोग अच्छे से भक्ति करते हैं, आप देखेंगे कोई अच्छा सामान है, मुझे आप ले लीजिए। बहुत बार देखा मैंने भक्तों को, एक रसगुल्ला बचा है तो दूसरे को दे देगा, बोला भाई मेरा पेट खराब, कुछ बोल के डाल देगा उसका प्लेट में। और बाहर जब मैस में, जब मैं काम में भक्ति नहीं था, मैस में खाता था जब मैं, जब भक्त नहीं था तो आपका प्लेट से चुरा लेगा बेटा, सच बता रहे, समझ रहे? अपना फायदा के लिए आपका प्लेट वाला चुरा लेगा, पता नहीं चलेगा कौन चुरा, हाँ कि ना। नहीं, भक्तों के संग में क्या उल्टा है, आपको दे देंगे और कभी फील भी नहीं हो देंगे उनको नहीं चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, बोले मेरा गला खराब है कुछ बोल उल के, समझ रहे? तो तो राम जी भरत से झगड़ा कर रहे हैं, भरत को बोले तुम राजा बनो, भरत बोलता नहीं आप राजा बनो, बहुत देर झगड़ा, फिर राम जी बोलते कौन बड़ा है रे। अब देखे कि लॉजिक से काम नहीं होगा, हिसाब से काम नहीं होगा, तो फिर अपना पावर लगाने लगे। तो मैं सचू सेवा करना चाहते, बोले हाँ, तो हम जो बोलते वो करेगा कि नहीं? हाँ करेंगे, चुपचाप राज्य पकड़ो, हम क्या करेंगे? बोले 14 वर्ष हम करेंगे, आप एक दिन में लेट आए तो हम सुसाइड कर लें, एक दिन में लेट आए तो। इसलिए भगवान पुष्पक विमान से आए थे, क्योंकि लेट हो गया था, तो भगवान पैदल गए, पैदल आने का बात था ना, पता था कि लेट पहुंचे तो राम नाम सचमुच सत्य कर देगा ये। तो इसीलिए तो वहाँ पर जब भरत जी जा रहे थे तो राम जी ने एक बात बोली कि मेरी एक इच्छा पूरी करेगा, बोला हाँ आप सब तो इच्छा आपका ही पूरा कर रहे हैं और क्या बाकी रह गया, बोले बस मेरी एक इच्छा है कि माँ कैकेयी को तुम खराब तरीके से ट्रीट मत करना। माँ कैकेयी को भी उसको, उसको पता था ये जाएगा तो कैकेयी को देगा, दो चार गुस्सा चढ़ेगा देगा, सब दोस्त किस पे निकालेगा, मारेगा इसको, छोड़ेगा नहीं। तो बोले माँ कैकेयी तुम रियली मुझे खुश करना चाहते हो तो तुम माँ कैकेयी के साथ अच्छा व्यवहार कर। अपनी माँ कौशल्या के बारे में नहीं बोले कि कौशल्या के साथ अच्छा व्यवहार, किसके साथ? कैकेयी के साथ। ये है भगवान, जो कैकेयी ने उनके साथ ऐसा किया उसका भी क्या चाह रहे हैं, मंगल चाह। इसलिए बोल रहे हैं राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बल धाम, रूप सील बल के धाम, मुख राखउ सखु सबु साखी, जगु जीते असुर संग्राम। तो उन्होंने बोला कि ये लोग रूप सील और बल के धाम, बोला क्या प्रूफ है? अभी मेरे साथ ने छोटे छोटे बच्चे गए थे राम और लक्ष्मण, और बड़े बड़े राक्षस आए थे, ताटका को मारे, किसको मारे? ताड़का को। और मारीच और सुबाहु आए थे, मारीच को देख धनुष मारे तो 100 योजन दूर फिका गया, कितना 100 योजन समझते हैं? 1 योजन 8 माइल, 8 माइल मतलब 13 किलोमीटर करीब, तो 100 योजन मतलब यहां से मारे तो फिका गया डायरेक्ट दिल्ली, दिल्ली से भी आगे जयपुर पहुंच गया होगा, पंजाब में पहुंच गया, समझ रहे? मारीचुआ को ऐसा हालत हो गया था राम जी के मार द्वारा दो चार बार खा के, कि उसके बाद कोई राह भी बोलता था ना राकेश, राह आ गया तो डर जाता था, तो राकेश नाम भी लिया तो राह सुने के भी डर जाता, समझ रहे? या म नाम भी सुने तो कहीं राम ना आ जाए, पिछले बार 1300 किलोमीटर फेंका था, इस बार तो मारे देगा,
तब मारीच क्या हुआ है, अपना दानवपन छोड़ दिया और साधु बन गया उस दिन से। क्या बन गया? ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया। समझ रहे? एक मारे भगवान ना, मारे नहीं बस झटका दिए तो खटका लग गया। समझ रहे? तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि इस बच्चे को नॉर्मली मत समझिएगा, इसने सब संग्राम जीता है, ताड़का को हराया है, मरीचे सब अहू को मार दिया। मुनि तव चरण देखी कहराओ, कहीं ना शकौ निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता, तो जनक जी बोल रहे हैं हे विश्वामित्र मुनि, आज मेरा जीवन सफल हो गया कि वो बहुत बड़े पुण्य थे कि आप मेरे घर आ गए, आप मेरे राज्य में आ गए, बहुत बड़ा कोई पुण्य प्रभाव से आप यहाँ पर आए हैं। और ये जो सुंदर श्याम और गौर रंग के दो बच्चे आए हैं भाई लोग, ये तो इतने सुंदर है, इतने अद्भुत लग रहे हैं, लग रहा है आनंद को भी आनंद देते हैं। क्या लिखे? सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता, आनंद के आनंद दाता, इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी, तो राम जनक जी बोल रहे हैं इनसे प्रीति करने से परस्पर पावनी, मन पवित्र हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? मतलब जो भगवान में मन लगाएगा उसका मन पवित्र हो जाएगा। मन के अंदर गंदगी है, काम क्रोध लोभ भोगने की वासना, शरीर की चेतना, और इसके लिए लोग क्या क्या करते हैं। एक बार मैं कुरुक्षेत्र में गीता पढ़ रहा था तो एक माता जी आई, मैं अपना अलग से पढ़ रहा था गीता भोपाल जी का, मैं 7-8 घंटे पढ़ रहा था, सुबह गया था पढ़ ही रहा था, मोक्षदा एकादशी थी, पढ़ रहा था सुबह से शाम। तो एक माता जी आ गई, मेरे को पाँव छूने लगी, मेरे को पैसा देखी खा पी नहीं रहा सुबह से तो मुझे कुछ देने लगी, तो एक पैकेट पार्ले जी बिस्कुट दी मेरे को। क्या दी? सची साधु जी कुछ खाए दिए तो क्या देते हैं? उसको पता ही नहीं साधु ये सब चीज़ नहीं खाते हम, मतलब बाकी साधु खाते हम लोग तो नहीं खाते। तो मेरे को दी, बोले नहीं हमको नहीं चाहिए। फिर 100 रुपया दी, हम बोले नहीं चाहिए हमको, हमको गीता पढ़ने, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो रोने लगी पूरा, क्या हो गया बाबा, ऐसा क्या कर दिया कि रोने लगी? मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, मैं गीता पढ़ रहा यार, मेरे को छोड़ दो, जाओ तुम। समझ रहे? तो माता जी तब क्या हो गया भाई, मैं क्या ऐसा पाप कर दिया, मेरे को डोंट डिस्टर्ब। मैं वो किनारे में पढ़ा था, वहाँ पर एक जगह है जहाँ गीता प्रकट हुई थी, उसका नाम है ज्योतिसार। क्या नाम है? ज्योतिसार। तो वहाँ बैठ के अपना पढ़ रहा था मैं प्यार प्रेम से, लेकिन लोगों को वो भी पसंद नहीं, समझ रहे? तो मैं अपना प्रेम से पढ़ रहा हूँ, माता जी आके पैसा दी, खाना दे रही, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोलने लगी, अरे मैं क्या इतना अपवित्र हूँ कि आप मेरा सेवा नहीं ले रहे? समझ रहे? सेवा क्यों कर रहे? तो वो शरीर की चेतना से मुक्त होना चाह रही। क्या चीज़ होना चाह रही? साधु को दान दे के कुछ करके क्या होंगे हम? शरीर की चेतना से मुक्त होना इतना आसान? समझ रहे? जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे वैसे शरीर की चेतना बढ़ती जाती है, बड़ा कष्ट देता है शरीर। समझ रहे? तो जो भी है, जस्ट बताना चाह रहा था मैं कैसे ये शरीर की चेतना मन को एकदम कलुषित कर देती है,
जैसे आपका उदाहरण है लक्ष्मण सेठ जी, आपके कॉलेज के फाउंडर आचार्य, 80 साल की उम्र में वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं फिर से। तो मन पवित्र नहीं होता है दुनिया में, कितना भी आप भोग कीजिए और मन की वासनाएं। अपवित्रता क्या है मन की, मन के अंदर जो भोगने की वासना है इसी को बोलते हैं अपवित्रता। मन की मलिनता क्या है, ये भोगने की वासना को क्या बोलते हैं, मलिनता बोलते हैं। तो दशरथ जनक जी बोल रहे हैं इनके प्रीति परस्परी पावनी, इनसे कोई प्रेम करेगा तो अपने आप पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जिनको भी अगर मन को पवित्र करना है क्या करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम कर लीजिए बस अपने आप। मेरा खुद का अनुभव है, आप भगवान से प्रीति कीजिए, भगवान को खिलाने खाने का सोचिए, भगवान को ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, आपको खाने का इच्छा खत्म हो जाए। जब वॉइस में थे तो भगवान के बारे में सोचते रहते थे, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, तो आप भगवान के बारे में सब सोचेंगे, आपको खाने की जो आसक्ति, आपकी जीव की लालसा धीरे धीरे खत्म। भगवान को आप अच्छा कपड़ा पहनाने का सोचेंगे तो आपको पहनने की इच्छा, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान को आप उनसे प्रीति कर लेंगे, इन्हीं के प्रीति परस पर पावनी। कहीं ना जाई मन भाव सुहावनी, तो जिनको मन में अगर भगवान अपने मन को पवित्र करने की इच्छा है उनको क्या कर किससे प्रेम करना पड़ेगा। कितने लोगों मन को पवित्र करने की इच्छा है, बोलिए हरी बोल। आपको किससे प्रेम करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम कर लीजिए बस अपने आप मन साफ हो जाए अपने आप, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत। कुछ लोग गुस्सा कमजोर करने के लिए, कम करने के लिए बोलते हैं 10 से 1 गिनो, ये करो वो करो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा दिन के लिए होगा फिर आ जाएगा। कुछ लोग लस्ट से कंट्रोल करने के लिए मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है कर लो जो करना, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, भगवान से प्रेम। कैसे प्रेम हो, भगवान की हरी कथा सुननी चाहिए, भगवान से, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, बार बार पुकारना चाहिए। और कैसे पता चलेगा पवित्र है कि नहीं है, आप बार बार नाम जब लेना चाहेंगे तो मन नहीं लगेगा, अगर आप पवित्र हैं, या पवित्र नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा। आधा घंटा 1 घंटा बाद मन करेगा थोड़ा कुछ और करते, कुछ भी करने को नहीं, करने को कुछ है नहीं, लेकिन मन भगवान का नाम नहीं कर पाएंगे। इसे पता चल सकता है आप पवित्र नहीं, अब कुछ नहीं करने को तो माला करो, भगवान का नाम लो, क्या पैसा लग रहा है, लेकिन वो बैठ जाएगा ऐसे, लेकिन जप नहीं कर पाएगा। क्योंकि शुद्ध चीज को धारण करने के लिए आपको भी शुद्ध होना पड़े। जैसे अग्नि को, आपको अग्नि अग्नि से टच करना, तो आपको भी अग्निमय होना पड़ेगा। वैसे भगवान को धारण करना इतना आसान, तो भगवान को धारण करना तो आपको कैसा होना पड़ेगा, एकदम पवित्र होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा, आप पवित्र नहीं है तो भगवान को धारण नहीं, और पवित्र होने क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन है भगवान को धारण करना है, नहीं भगवान में मन लगेगा नहीं। तो इसलिए इसको बोलते हैं साधना। क्या बोलते हैं, साधना। क्या करनी पड़ेगी साधना, मतलब भगवान में मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब करते मन नहीं लगता, शुरू में नया था मैं तो 1-2 माला के बाद मन करेगा और नहीं कर पाएंगे, लेकिन जबरदस्ती करना पड़ेगा, नहीं ये अच्छी चीज़ ये करना चाहिए। कोई तो बोलते हमको गीता पढ़ते नींद आ जाती, हाँ कोई बात नहीं, फिर भी आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, संघर्ष कीजिए, तभी तो धीरे धीरे मन लगेगा। लेकिन एक बार मन लग गया तो आपका जीवन सफल हो गया, हरी वो बेड़ा पार हो, फिर आपको काम वासना क्रोध वासना परेशान नहीं, फिर लोभ वासना आपको परेशान, फिर जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट रह सकते हैं। नहीं तो फिर मन बोलेगा नहीं, जब तक हमारा गाड़ी नहीं होगा, हमारा बाड़ी नहीं होगा, जब तक हमारा साड़ी नहीं होगा,
जब तक नारी नहीं होगा। अब ब्रह्मचारी को विचार नहीं आया, समझ रहे, राहुल का जल्दी शादी होने वाला। राम जी आए थे, शादी करके गए थे, लग रहा है जनकपुर में इसका भी हो जाएगा। जनक राजा जी को चूज करेंगे। एनीहाउ, तो कहीं न जाई मन भाव सुहा, क्योंकि मन को इतना आनंद है, सुहावना लगता है भगवान का रूप कीर्तन कथा, मन को एकदम सुहावना, मन शांत हो जाता है। और मन शांत है तो फिर कोई चीज की इच्छा करेगा नहीं, और मन अशांत है तो आप कुछ दे दो, और चाहिए और चाहिए, और पागल कर देगा। तो कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण से प्रेम करने से मन शांत हो जाता है। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु, तो जनक जी बोलते हैं ये राम लक्ष्मण तो ऐसा लग रहा है परम ब्रह्म है और ये जीव है, और ये लोग दोनों में आपस में इस प्रकार से प्रेम है। बात तो एकदम सही बोल रहे थे, और बार बार घूर घूर के किसको देख रहे हैं, एक बार देखो हजार बार देखो, देखने की चीज, समझ रहे, ये सब ओरिजिनल किसके लिए आता है, लेकिन हम भगवान को नहीं देखते तो फिर परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या आता है, एक बार देखो हजार, क्या एक आता था, एक क्या आता था, देखने की चीज है, समझ रहे। तो ये कहाँ से आता है, भगवान के लिए आता है, लेकिन जब भगवान को नहीं देखते हैं तो बार बार देखो हजार बार देखो, वो शुरू में आता है शादी के पहले, उसके बाद दो चार साल बाद बार बार देखो किसी और को देखो। अरे एक ही वैरायटी होगा, चेंज होना चाहिए। पुनी पुनी प्रभु चित बनरनाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु, तो बार बार इनको देखने की इच्छा, और इतने सुंदर, इतने मन हट ही नहीं रहा है, पुलक गात उर अधिक, समझ रहे, और हृदय में उत्साह आ रहा है। उसके बाद सब चीज डिस्कस होने के बाद कौन चले गए वहां से, जनक जी अपने घर चले गए, महात्माओं की सेवा हुआ करके। और राजा उनको लेके इस नगर में ले आए, कहाँ ले आए, नगर में ले आए, और एक उनको एक सुंदर एकोमोडेशन दे दी, सुंदर सदनु सुखद शब काला, सुंदर सदनु सुखद शब काला, तहाँ बासुलई दिनी बुआला, तो उन्होंने सुंदर एक सदन में ले आए जो हर समय में सुखद था। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन था कि हर समय में उसमें ठंडा लगेगा, गर्मी में ठंडा लगेगा, ठंडा में गर्मी लगेगा। आजकल तो लोग एसी लगाते, पहले के बिल्डिंग ऐसे बनाए जाते थे नॉर्मल एसी होते थे। अभी भी हम लोग हवेली जाएंगे, आप इतना ऊंचा सीलिंग वीलिंग, मतलब आपको हर समय कैसा लगेगा उसमें जाने पे, एसी जैसा फील होगा। पता नहीं कैसे कंस्ट्रक्शन करते थे, आपको गर्मी में सर्दी लगेगा, ठंडा लगेगा, और ठंडा में गर्मी लगेगा। तो बता रहे
तो एक सुंदर घर में ले गए जहाँ हर समय दम ठंडा अच्छा लगता था। तहाँ बासु ले दिन ही भुआला, उनको लेके आए और ठहराए, अभी पूजा उजा करके विदा लेके अपने घर गए। और ऋषियों के संग में यहाँ श्री रामचंद्र जी भोजन और विश्राम करके लक्ष्मण के साथ बैठे थे, तो वो लोग प्रसाद उसाद ले लिए दोपहर का, बैठे हैं। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं करीबन, और लक्ष्मण जी का बड़ा इच्छा हो रहा है कि जनकपुर देख के आ जाए, क्या देख के आ जाए, लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई का परमिशन बिना तो जा नहीं सकता। गुरुजी बैठा है, बड़ा भाई बैठा है, कैसे बोले चलिए घूमने के लिए, बड़ा भाई को तो आदेश नहीं दे सकता, समझ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के मन में बड़ा इच्छा हो रहा है कि अरे थोड़ा घूम के आ जाए। लखन ही दोए लाल सा विशेषी, लखन ही दोए लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आही ह देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ह सकुचाही, प्रगट न कहही मनहि मुस्काही, तो लखन के हृदय में बड़ी स्ट्रांग इच्छा हो रही है कहाँ जाने की, जनकपुर घूम के आने की। आई जाई जनकपुर आई देखी, लेकिन भगवान का भय है और गुरुजी का भय है, बोल नहीं रहे, मन ही मन में सोच रहे अरे समझिए लेके चलिए, लेकिन भगवान राम तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बिछलता है फुलसानी, परम विनीत सकुचि मुस्काए, बोले गुर अनुशासन पाए, तो राम जी लक्ष्मण के मन की बात समझ गए कि इसके मन में क्या है, जनकपुर घूमने की इच्छा है। तो बड़े विनम्र भाव से गुरुजी के पास गए और बोले गुरुजी हमारे लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर घूम के आने की। नाथ लखन पुरो देखन चाही, प्रभु सकोच दर प्रकट कही, तो गुरुजी लक्ष्मण की इच्छा है पुर को देख के आने की जनकपुर को, लेकिन आपके डर से बोल नहीं रहा, तो आप अगर आज्ञा दे तो हम लोग देख के आ जाए क्या। तो गुरुजी बहुत खुश हो गए, बोले अवश्य जाओ थोड़ा सा देख के आ जाओ, समझ रहे हैं, जाही देखू आवहू नगर सुख निधान दो भाई, करहूँ सफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। बोले हे राम और लक्ष्मण आप लोग जाइए नगर को देख के आइए, और आप जाइए और लोगों का अपने सुंदर दर्शन करवा के लोगों के नयन का उद्धार कर दीजिए, करहू सफल सबके नयन। क्या बोले गुरुजी कि आप जाइए और जनकपुर में घूमिए और सबके नयन को सफल बना दीजिए, हरि बोल, समझ रहे हैं। मुनि पद कमल बंदी दौ भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता,
बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मणु लोभा तो अब कौन निकल गए हैं? राम और लक्ष्मण कहाँ निकल गए? जंगल की ओर। सबके लोचन को सुख देने वाले भगवान का दर्शन क्या है? लोचन को सुख देता है, समझ रहे हैं? तो आंखों का सबसे बड़ा अमृत क्या है? भगवान का दर्शन, भगवान का कीर्त। तो जो लोग भी देख रहे थे राम और लक्ष्मण को, एकदम पीछे पीछे हो जाते थे, समझ रहे हैं? तो हजारों हजारों बच्चे लोग उनको देखते थे, राम लक्ष्मण को उनके पीछे पीछे होने लगते थे। और इतने सुंदर उन्होंने पीले कपड़े पहन रखे, कैसे कपड़े पहन रखे हैं? पीले। पीत बसन परिकर कटी भाथा चारु चाप सरसोहत हाता तो पीले रंग के सुंदर वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं, तन अनुहरत सुचंदन खोरी और शरीर में सुंदर चंदन चमक रहा है। श्याम गौर मनोहर जोड़ी, उनकी सुंदर क्या है? श्याम गौर की जोड़ी है राम लक्ष्मण की, बहुत सुंदर उनकी छाती है, भुजाएं हैं, माला है छाती पर गजमुक्ता की, बहुत ही सुंदर भगवान का वर्णन आता है। तो जब वहां के लोग उनको देखने लगे, देखन नगर भूप सुत आहे देखन नगर भूप सुत आहे समाचार पुरवासी न पाए तो जब सबर खबर फैल गई, कौन आए है, कौन आए जनकपुर में, कौन आए? राम लक्ष्मण आए, समझ रहे हैं? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हे मेरे नगरी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे नगरी के भाग, हे मेरी नगरी के भाग आज खुल जाएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो खबर फैल गई, राम आ गए हैं, आएंगे नहीं, आ गए हैं, राम जी आ गए हैं, हरि वो, जनकपुर में राम और लक्ष्मण आ गए, हरि वो। तो सब लोग ने क्या किया, दौड़ के दम धाए, समझ रहे, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, सब लोग काम धंधा छोड़ के क्या होगा, भागने लगे, किसको देखने के लिए? जैसे लग रहा है कोई आदमी 10 दिन से खाया नहीं, उसको खाने का प्लेट मिल जाए, कैसे भागेगा वो? या कोई गरीब आदमी हो, कभी पैसा नहीं देखा, उसको पैसा का लॉटरी लग जाए, कैसे भागेगा? तो वैसे ही सब एकदम भागने लगे।
निरखी सहज सुंदर दो भाई। हो ही सुखी लोचन फल पाई, तो दोनों भाइयों को जब देख रहे हैं लोग, उनको लग रहा आज हमारी आंख पाने का फल सार्थक हो। ब्रह्मा जी ने आंख दी, इसका आज जाके फल क्या हुआ, नहीं तो आंख का कोई फायदा। आज राम लक्ष्मण को देख के लग रहा है कि हमारी आंख क्या हो गई है, सिद्ध हो गई बाबा। और वहां की जो जनकपुर की जो युवतियां थी, लड़कियां थी, वो झरोखन में, झरोखा होता है ना घर के अंदर खिड़की होता है, उससे देखने लगी भगवान। युवती भवन झरोखनी लागी, निरख ही राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखनी लागी, निरख ही राम रूप अनुरागी। और अपने घर के झरोखों से युवतियां क्या करती है, भगवान का दर्शन करती हैं सुंदर रूप का, और आपस में बातचीत करती, बहुत सुंदर बातें करती है, सुनिए। कहीं परस पर बचन सप्रीति, कहीं इन्ह कोटि काम छवि जीती, सकी इन्ह कोटि काम छवि। तो आपस में सखियां एक दूसरे को बोल रही हैं कि सखी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि करोड़ों काम देव भी इनकी छवि को देख कर क्या हो जाएंगे, मुग्ध हो जाएंगे। इतने सुंदर है भगवान, करोड़ों कामदेव को भी आकर्षित कर लेंगे। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुन इति नाही। सुर नर असुर नाग मुनि माही, देवता नर में, असुरों में, नागों में, मुनियों में, इतने सुंदर आज तक हमने कभी किसी को नहीं। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को नाही। यह छवि सखी पट रही जाही, बोलते इनकी उपमा किसी से। विष्णु की चार भुजाएं, कितनी भुजाएं, अब कोई आदमी चार भुजा तो कैसा लगेगा, समझ रहे हैं? दो हाँ ठीक लगता है, चार भुजा ऐसा भी आ जाए तो देखने में थोड़ा उतना नहीं लगेगा। तो बोले विष्णु का वो रूप कैसा है, चार भुजा वाला, और ब्रह्मा जी का तो चार ठो मुख है। बोले कोई प्रसाद खाएंगे तो किधर मुंडी हिलाएगा पता नहीं, उधर वाला मुंडी से हिलाएगा। बोला हाँ, क्या बोलेंगे आप, समझ रहे, उससे बात करना तो उसका एक मुँह मान ले, एक तरह से कैसे है भूजी मुझे, अच्छा यहाँ पीछे मर जाओ तू, समझ तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा चार मुख वाला आदमी से बात करने में, आलिंगन करेंगे, समझ रहे हैं, एक मुंह उधर, एक मुंह उधर, एक मुंह नीचे। तो स्त्रियां बोल रही है हमको ब्रह्मा जी पसंद नहीं है, चार मुख वाला है, और शिव जी का तो रूप खतरनाक है, भूत पिशाच सबको लेके घूमते हैं, विकट बेस मुख और पांच ठो मुख है, समझ रहे हैं। विष्णु भी गोल हो गया, शिव भी गोल हो गया, ब्रह्मा जी भी गोल,
लेकिन ये जो रूप है अपर देव असको, इनका सुंदर, इतना सुंदर कोई का रूप, यह छवि सखी पटरी हो जाही, इतना सुंदर है इनके समान कोई देवता नहीं, किसी से उपमा भी नहीं दे सकते, एकदम कसोर अवस्था में है, सुंदरता के घन सांवले और गोरे रंग के तथा सुखे धाम है। सखियां और बातें करती हैं, कहूं सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यो रूप निहारी, ऐसा की बताओ ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इसके रूप को देखे मोहित नहीं हो जाए। दूसरी सखी बोलती है, मैं कुछ बताती हूँ मैं जो सुन के आई हूँ। बोले क्या? बोलो, ये जो आदमी है ना, ये लड़का काला वाला, ये दशरथ जी का लड़का है। किसका लड़का है? ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा, ते दोनों दशरथ के बेटे हैं, एकदम बाल राज हंसों के समान सुंदर जोड़े हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनी रन जिनी साचर मारे, तो विश्वामित्र मुनि के रख के रखवाले हैं लोग, और इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। और ये काला रंग वाला जो है, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभ सुभुज मधु मोचन, तो ये काले रंग वाले ने मरीच और सुबाहु के मध को चूर कर दिया। कौशल्या सूत सो सुख खानी, और किसका बेटा है ये? कौशल्या का। और सुख की खान है राम नाम धनु सायक पानी, इसका नाम क्या है? राम। और जो गोरे रंग के कौन है? करसर चाप राम के पाचे, जो राम के पीछे पीछे धनुष ले घूम रहे हैं। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, इसका नाम राम है, लक्ष्मण है और राम के छोटे भाई। सुनु सखु तासु सुमित्रा माता, उसकी माँ का नाम क्या है? दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न, तो जब लोग पहुंचे तो यहाँ धनुष यज्ञ चल रहा था। क्या चल रहा था? तो राम जी की सुंदर छवि को देख के कोई एक नारी कहती है, देखी राम छवि को एक कोई, जो गुजान की है यह बरु अहई, तो एक सखी बोलती है मुझे लग रहा है यह जो वर है किसके योग्य है? जानकी के योग्य है। किसके योग्य है यह लड़का? किसके लिए फिट है? हमारी जानकी के लिए। जो सखी इन ही देख नर ना हूं, पन परी हरी हट कर विवाह, इनको अगर राजा देख ले तो अपना व्रत तोड़ देंगे। व्रत किए हैं कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को विवाह करेंगे, लेकिन ऐसे ही दे देंगे, इतना सुंदर लड़का है राम। और कोई बोलती है राजा इनको पहचान लिए हैं और इसीलिए इनको अलग से स्पेशल रूम वूम दिए हैं, लेकिन राजा अभी भी ईगो है उसका, हो सकता प्राण नहीं छोड़े कि नहीं, जो धनुष तोड़ेगा उसी को। कोई बोलती है बहुत ही बड़ा भाग्य हमारे राज्य का कि यहाँ पर ये आए हैं और जानकी जी के लिए वर रूप में आए हैं, इसमें संदेह। बोले अगर इनका शादी हो जाए हमारी जानकी से तो हमारा राज्य कल्याण, क्योंकि बार बार शादी हो जाएगा तो ससुराल हो जाएगा तो आएंगे बार बार, तो हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए सब लोग प्रार्थना कर रही हैं कि राम
राम जी का विवाह किससे हो जाए? जो विधि बस अस बनई सुजोगु, तो कित कृत्य होई सब लोगो। तो अगर देवता की कृपा से ऐसा संजोग बन जाए तो हम लोग सब कृतार्थ हो जाएं। क्या संजोग बन जाए? जानकी जी का विवाह राम जी से हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं, कि अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके बहाने वो बार बार यहाँ पर हमारे यहाँ आते रहेंगे। अगर विवाह नहीं हुआ तो ये फिर आने वाले हैं नहीं। लेकिन विवाह तभी होगा जब हमारे बहु जन्मों के क्या है, पुण्य है। तो फिर दूसरी सखी बोलती है, बोली अपर कहु सखी निका, तो दूसरी सखी बोलती है, अरे वाह निका, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसे वृंदावन में भजन था निको, एक वृंदावन का भजन सूरदास जी का, निको लागे। हाँ वृंदावन मुझे लागे निको, क्या तो निको निको। तो जो भी है, तो बोली अपर कहूं सखी निका, अही बियाह अति हित सभी के का। तो बोली बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अगर यह विवाह हो गया तो सबका परम हित हो जाएगा। अगर विवाह हो गया तो हमारा सबका, लेकिन कोई बोलने लगी, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा, कोई बोलने लगी विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन धनुष बड़ा कठोर है और लड़कवा एकदम कोमल है, लड़कवा एकदम फ्लावर की तरह है, रोज की पंखुड़ी जैसा इसका शरीर है, और ये क्या है एकदम, ये क्या धनुष उठा पाएगा, इसके अंदर उतना शक्ति नहीं लग रहा है। तब तक दूसरी लड़की बोलती है, नहीं नहीं ऐसा डोंट गो बाय एक्सटर्नल्स, डोंट गो बाय, समझ रहे हैं। सब लोग असमंजस में पड़ गए, क्या हो क्या नहीं हो, सब असमंजस अहई सयानी, सुनिया पर कहई मिदुवानी, असमंजस पड़ गया, शादी होगा कि नहीं होगा, शादी होगा कि नहीं होगा। तब तक दूसरी एक सखी बोलने लगी, समझ रहे हैं, कि देखने में तो ये छोटे लगते हैं, देखने में छोटे लगते हैं कोमल, लेकिन घाव बड़ा गंभीर करते हैं, समझ रहे हैं। सखी इन्हा कहो को अस कही, बड़ा प्रभाव देखत लग हुआ ही, अरे सखी देखने में छोटे लगते हैं लेकिन इनका प्रभाव बड़ा अद्भुत है, बड़ा है। बोले कैसे? अरे सुना नहीं, कुछ दिन पहले अहल्या के घर गए थे, अहल्या पत्थर थी, क्या बना दिए उसको फिर से औरत, समझ रहे हैं। परसी जासुपद पंकज धूरी, ए परसी जासुपद पंकज धूरी, अरे इनके चरण कमल की धूली जब स्पर्श हो गई, किसको स्पर्श कर गई, अहल्या को, इनके चरण कमल की धूली के केवल स्पर्श मात्र से क्या हो गया,
तरी अहल्या कृत अघभूरी। अहल्या ने इतने इतने पाप किए थे, लेकिन भगवान के चरण की स्पर्श करते के साथ उसका क्या हो गया, पूरा उद्धार हो गया। सियावल रामचंद्र भगवान की, सीताराम सीताराम, हे सीताराम 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 सीताराम, हे सीताराम 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 सीताराम, हे सीताराम सीताराम। तो सखिया बोल रही हैं, जब इन्होंने चरण की धूली से अहल्या का उद्धार कर दिया तो ये शिव जी का धनुष का है, तो ऐसे भी तोड़ देंगे, का टेंशन ले रहे। सोके रह ही बिनु शिव धनु तोरे, सोके रह ही बिनु शिव धनु तोरे, तो जब इन्होंने चरणों की धूली से अहल्या का उद्धार किया तो कि अपना हाथ से छू के धनुष नहीं तोड़ देंगे बाबा। जे ही बिरंची रची सिय सवारी, ते ही श्यामल बल रचे हूँ बिचारी, जिस प्रकार से विधि ने हमारी सीता माया की रचना की, कितनी सुंदर है सीता, कितनी अद्भुत है, सुंदर है। जे ही बिरंची रची सिया सवारी, हमारी सिया सीता कितनी सुंदर है, वैसे ही भगवान ने श्याम रंग के राम का भी सृष्टि, दोनों मेड फॉर ईच अदर। सो जीवन का परफेक्शन है कि हृदय में किसको रखा जाए, सीताराम को रखा जाए। सीताराम के मिलन का विचार करेंगे तो फिर आपको और कोई विचार करने की जरूरत नहीं पड़े, सीताराम को नहीं बनाएंगे तो फिर आपको कोई और मेट परिचय अपने लिए करना पड़े, और कितना भी कर लिए फ्रस्ट्रेट होने वाले, समझ रहे। इसलिए जीवन में हर समय यही प्लान करना चाहिए, हाउ कैन आई गिव प्लेजर टू राधा एंड कृष्णा, टू सीता एंड राम, कैसे उनको सुख कर सके। तो सब लोग सखियां बड़ी सुखी हो रखी, और राम लक्ष्मण जहां जा रहे हैं वहां के फेंक दे रही है, फूल बरसा रही बड़े आनंद के साथ।